लोग कोई मंदिर आ चुके हैं। कौन सा मंदिर है दीपक? बाबा राम राम मंदिर। कैसे निकाल रहे? नहीं निकलना बहुत सही है। SBI कार्ड बहुत मजबूत है, इससे हमने घड़ी निकाली है। बहुत ही सही। SBI के कार्ड की ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहे थे हम लोग, बहुत ही मजबूत पाया गया। लीजिए स्वाइप कीजिए कार्ड। हम लोग आ चुके हैं पूर्वा वाटरफॉल, जाते हैं आगे दिखाते हैं आपको। जा रहे हैं आगे। OMG व्यू चेक कीजिए आप लोग। जान आया कौन बोल रहा था? नहीं बोल रहा क्या? कितनी बड़ी बड़ी खाइयां सी हैं। लगभग 70 मीटर है और सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ जितने आप वाटरफॉल देखोगे तो उसकी मेन जो रिवर है वो है टोन्स, जिसका रीजनल नाम है तमसा या तमाशा। ठीक है, तमाशा भी लगा हुआ है ना। और सबसे मेन चीज से ये आपके मेन टोन्स पर है, टोन्स रिवर पर है। और इसके बाद जो हम बाकी और कवर करेंगे, जैसे क्योटी कवर करेंगे, चिदई कवर करेंगे, वो उसकी रीजनल रिवर पर है। सबसे मेन चीज इसमें ये है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर में नदी द्वारा बनने वाली इस गलतियों में रिवर टोपोग्राफी में आती है। तो एक क्रिया नदी करती है जिसको बोलते हैं रेजोनवेशन। रेजोनवेशन में हिंदी बोलते पुनर्युगन। जब नदी अपनी प्रक्रिया में होती है तो उसको अवरोध एकदम बीच में आ जाता है, तो नदी अपनी यूथ स्टेज में फिर से पहुंच जाती है, यानी कि नदी में फ्लो फिर से बहुत तेज आ जाता है। तो ये उसका सबसे आइडियल एग्जाम्पल है। पूरी इंडिया में अगर नॉर्थ वेल्ट की बात करा जाए तो रीवा डिस्ट्रिक्ट में ये सब आपके रेजोनवेशन के नदी द्वारा बनने वाली पुनर्युगन से जो क्रियाएं होती है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें जो टोपोग्राफी बनती है उसको बोलते हैं निक पॉइंट। ये निक पॉइंट का सबसे आइडियल एग्जाम्पल है। लेकिन ये रिवर वहां से चली जा रही थी, अब देखना इसको समझिएगा बात को। अगर ये रिवर फिर फ्लो कर रही होती तो ये नहीं बता। अब रिवर में क्या हुआ, अचानक से एक वाटरफॉल बन गया है। अब उसको पानी जो वहां से चला रहा, पानी की गति नहीं है, लेकिन इस वाटरफॉल की जो पानी की गति देखो बढ़ गई है। और ये विंध्यन रेंज है पूरी, जो हम लोग को समझ ही रहे हैं। विंध्यन रेंज है सारा, सैंड स्टोन पे तालाब लोगों ने सुना ही हुआ था मेन, तो वो मेनली है। अब आप सबसे बड़ी चीज जैसे आप लोग ये देखते हैं, जैसे आप लेयरिंग देख रहे हो, आप देख रहे हो कि पूरी पक्की कोई लेयर नहीं है, कई लेयर्स में ही बना हुआ है। और ये बीच में जहाँ पानी गिर रहा है, पानी की गिरने की वजह से, ये ऐसा नहीं है कि ये वाटरफॉल जो रहता है तो बहुत बारिश होती है तो बहुत फ्लो होता है, सब जगह जो कटान देख रहे हैं वो ये वाटरफॉल का ही इरोजन है। ये जो वाटरफॉल है उसका ही अपरदन है, उसी का अपरदन है। ठीक है, आप लोग जो उस पर देख रहे हैं बुक में देख रहे हैं कि एक्चुअल है। हम लोगों ने दो चीजें बनी थी वाटरफॉल, एक आप लोगों ने दिया होगा, एक पढ़ा था हम लोगों ने वेदिका रैपिड्स पड़ी हुई थी, रैपिड्स पड़ी थी और एक पढ़ा था वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल का I could wait 1,000 days, you never
see. You were all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही। और तुमको ये बात पता नहीं, हम जब टूर ला रहे थे मैंने सारे स्टूडेंट से पर्सनली कहा था कि वहाँ पे वाटरफॉल है, रेलिंग्स नहीं होगी कई जगह पर, और जहाँ रेलिंग है वहाँ पे हम नहीं उस चीज को इंस्ट्रक्शन फॉलो करे जहाँ नहीं होगी रेलिंग। ये सबसे ऊंचा है, रेलिंग नहीं है, तुम लोग व्यू पॉइंट देने चले, ये थाल में चलता है तो इसका फुब्बारे आता है, आप एकदम गीले हो जाएंगे। इसको देखने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे 1956 में, उनके स्वागत के लिए गेस्ट हाउस बना था 1953 लिखा हुआ है। और यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट अपने भारत के बहुत अधिकारी जैसे बच्चे वगैरह सभी लोग आते हैं। एमपी का सबसे यही, यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा सबसे सुंदर फॉल है। आज इसमें पानी नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे डैम बना दिए हैं, डैम बना के पानी को सीधे डाइवर्ट कर दिया टोंस जल विद्युत परियोजना में। ये टोंस जल विद्युत परियोजना के बन गए से सिंचाई फॉल पूरी तरह से बंद हो गया। वही बरसात में चलता जुलाई अगस्त सितंबर में, जब ओवर पानी होता जब छोड़ते हैं। सर भाई हमारी भाई जानकारी दे रहे हैं, इनकी फोटो तो होना जरूरी है। फिर ये नदी आपके बीहर नदी यहाँ से जाके बीहर यहाँ गिरती है, और फिर ये नदी चल के 1 किलोमीटर बाद उधर से वो पूर्वा फाल वाली तमसना नदी आ जाती है, और फिर दोनों नदी कहीं संगम हो सबको दिखाएंगे आप, दोनों का संगम हो जाने से फिर ये तराई अंचल जो कौशल तहसील बोलते हैं ये उसमें मिल जाती है। अब जाते ये आपके चाक घाट में, चाक घाट होते हुए जाके प्रयागराज में। अरे वहाँ से आवाज आएगी, एक ही आदमी बोल रहे हैं उनको बोलने दो। जय श्री राम। डीबी कॉलेज का नाम बोलो अपने। सॉरी सर, दयानंद वैदिक कॉलेज हो रही डीबीसी हो रही, बस वही रहो हो रही। ना ये जो एरिया है ना, ये एरिया खाली है, साउंड की आवाज जाती है उस पहाड़ी से टकरा के आधी इतने पड़ जाती, आधी उतने पड़ जाती, फिर रिटर्न आती है। तीनों तरफ से आती वो। हाँ ये सच्चाई जल प्रपात हेड टू हाइट। अरे चालू है, दोस्तों देखिए कितना अमेजिंग व्यू है। हम लोग अभी चचई वाटरफॉल घूम चुके हैं, अब जाते हैं अपनी बस की ओर। फिर नेक्स्ट कोई अगर वाटरफॉल होगा वो दिखाएंगे आपको। हम लोग बस से निकले हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए लेने आए हैं, बाकी सर भी गए हैं कुछ नाश्ता पानी करने, फिर आगे जाएंगे। अमेजिंग व्यू, हमारे अनुप्रिय टूट चुकी हैं, टूट फूट चुकी हैं ब्लॉगिंग करती हुई। कितना स्ट्रगल है ब्लॉगिंग में, प्लीज बिल्कुल प्लीज डू सब्सक्राइब हर चैनल। टूट फूट के हमारे जितने भी फॉलोअर हैं सब अनुप्रिया को सब्सक्राइब कर ले। फोटोग्राफर ये हम लोग आ चुके हैं क्यूटी फॉल। डिस्टर्ब हो जाता है यार। ओके ओके, हम लोग आ चुके हैं क्यूटी फॉल। यहाँ देखो रेड मिट्टी है, रेड मिट्टी क्यूटी वाटरफॉल चल रहे हैं। अभी काफी दूर है हम लोगों की बस, वहाँ खड़ी हुई है, वहां से हम लोग सीधे यहाँ तक आ रहे हैं, काफी दूर है।
देखिए गाइस, अमेजिंग 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 व्यू, इतना बढ़िया व्यू है। ये देखिए फॉल, यहाँ नहाएंगे हम लोग। हम लोग पूरी व्यवस्था से आए हैं, गौरव सर अगर परमिशन देते हैं तो हम लोग यहाँ पे पक्का नहाएंगे। कितना पुराना फोर्ट टाइप का है, देख सकते हैं आप लोग। चेक करते हैं गाइस, अमेजिंग व्यू। वो आदित खड़ा है, बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां टाइप की है। इतना बढ़िया झरना है नहाने के लिए, ये नहाने के लिए बेस्ट झरना है। यहाँ कहाँ उतरेंगे हम लोग, के साथ मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध वाटरफॉल केवटी वाटरफॉल को कवर करने आए हैं। केवटी वाटरफॉल मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नदी टोंस की सहायक महाना पर बना हुआ है। इसकी हाइट अप्रॉक्स 98 मीटर के आसपास है और ये जो महाना नदी है ये बेसिकली एक प्रकार का निक पॉइंट बनाती है, जो कि रिजुनवेशन एक प्रोसेस होता है रिवर फ्लो के अंतर्गत आता है। ये रिवर का ओरिजिनल वर्क होता है, उसमें निक पॉइंट आता है और बड़े फेमस यहाँ पर निक पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से एक ये केवटी वाटरफॉल है आपका, और केवटी वाटरफॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाटरफॉल पहले स्ट्रेट फ्लो करता है, फिर इसके बाद इसके स्टीप फ्लो में रहता है। ये वाटरफॉल स्टीप फ्लो आपको देखेंगे, यहाँ कहीं पर भी रिफ्ट भी दिखेंगे आपको, रिफ्ट वैली है। थैंक यू सर। आने वाले हैं हमारे सूर्यांश ठाकुर, अपने कच्छ परिवार में आ चुके हैं। हम लोगों ने केवटी फॉल में नहा लिया है, अब जा रहे हैं अपनी बस की ओर। आज बहुत अच्छा आया क्या सर? सैंडस्टोन टूट गया ये इरोजन के कारण।